नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पंचायत चुनाव को लेकर के आज हम बेगूसराय के सदर प्रखंड अंतर्गत धवौली पंचायत की चर्चा करने आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि ये धवौली पंचायत है और इस पंचायत में विडंबना यह है कि मात्र 13 वार्ड हैं और 18 मुखिया के प्रत्याशी। हालांकि कुछ लोग तो इस वजहों से भी खड़े हो जाते हैं चुनाव में कि कोई हार गया तो वही हमारी जीत है, तो इस तरीके की मनसा साफ साफ धवौली में दिखाई पड़ रही है। ये 18 मुखिया के उम्मीदवार हैं और मैं आपको बता दूं, मेरे पास पूरी लिस्ट है ताकि हम आपको बेहतर जानकारी दे सकें। यहाँ की निवर्तमान मुखिया हैं अंजलि देवी, आप उनके प्रतिनिधि के तौर पे बोतल सिंह को जानते होंगे, बड़े लोकप्रिय हैं अपने नामों को लेकर के, अपने कामों को लेकर के और अपने आचरण को भी लेकर के, काफ़ी लोकप्रियता है इनकी पंचायत में। और सरपंच हैं रेणु देवी, जो निवर्तमान सरपंच थी, अब इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। हालांकि सरपंच पदों के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सबसे बेहतर कैंडिडेट के तौर पे उभर करके उपेंद्र पासवान आए, काफ़ी पुराने लीडर हैं। और एक तारा देवी हैं, रामचंद्र भगत की पत्नी हैं। ये मुख्य रूप से इस पंचायत में सरपंच की उम्मीदवारी पेश करने में सफल होते दिख रहे हैं। लेकिन मुखिया प्रत्याशी को लेकर के जो उहापोह की स्थिति है, वो स्थिति वाकई में गजब की परिस्थिति चुनाव को बनाए हुई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो वोटरों की संख्या है वो कुल वोटरों की संख्या लगभग 11,500 का वोटर है, 13 वार्ड हैं और इसमें सर्वाधिक वोट जो है वो मुस्लिम समुदाय का है। अब मुस्लिम समुदाय का सर्वाधिक वोट लगभग 2900 बताया जाता है कि इतने बड़े स्तर पे मुस्लिम वोटरों की संख्या धवौली पंचायत में है। लेकिन विडंबना देखिए कि इस मुस्लिम में जो कैंडिडेट हैं वो 3 हैं, जिसमें प्रमुखता के साथ मोहम्मद चांद का नाम सबसे आगे देखा जा रहा है। लेकिन अगर जातिगत वोटिंग होती है तो उसमें कुर्मी की जो वोट संख्या है वो 1500 के आसपास है, पासवान वोटर भी कम नहीं है। और उसके साथ ही हम आपको बता दें कि चौरसिया और राम समाज भी लगभग कंपटीशन देने की पूरी तैयारी में है। मुखिया प्रत्याशियों में 18 प्रत्याशियों में जो 4 प्रत्याशी हैं प्रमुखता पर, जिनमें आपस में लड़ाई है, बाद बाकी की कहीं कोई चर्चा तक भी नहीं दिखाई पड़ती, मैं उन नामों को भी गिना दूं कि अंजलि देवी जो कि निवर्तमान मुखिया हैं, उसके बाद जो नाम सामने आया है वो मोहम्मद चांद का नाम सामने आया है, जिनकी पत्नी शहनाज बेगम चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ ही एक और प्रत्याशी हैं जिनके विषय में लोग काफ़ी विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि धीरज कुमार की माताजी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी जाने जाते हैं और धीरज काफ़ी दिनों से अपने पंचायत वासियों के बीच सेवा अपनी दे भी रहे हैं, लेकिन उनकी माताजी अभी वहाँ पे कैंडिडेट हैं। देखने वाली बात ये होगी कि उनकी माताजी धीरज की लोकप्रियता को अपनी जीत में बदल पाती हैं या नहीं। साथ ही हम आपको एक और नाम बताना चाहेंगे जो कि राम समाज से अनिल राम हैं, जिनकी पत्नी हेमलता देवी हैं, वो भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं बनी हुई हैं और लोगों का रुझान भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा। हम आपको तमाम लोगों से भी जो हमारी बातचीत हुई है वो भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर एक नंबर की लड़ाई किनके बीच होने वाली है। यह सिर्फ एक आकलन है, होगा क्या ये जनता तय करेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा और जो वक्त तय करता है उसे कोई पहले कैसे बता देगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ धवौली पंचायत के मुखिया प्रत्याशियों का, जिनमें
एक होड़ लगी है। आप यूं समझ लीजिए कि धबौली पंचायत में मुखिया प्रत्याशियों की एक बहुत बड़ी मंडी लगी हुई है और कई तरह के खेल भी सामने आ रहे हैं। जैसे आमतौर पर आप देखते ही होंगे कि चुनावों में साड़ी का बांटना, फलों का बांटना और शराब का बांटना, पैसे का बांटना, ये तमाम चीज धबौली पंचायत में हो रहा है। सच्चाई क्या है ये आने वाला वक्त तय करेगा। वहीं निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि बोतल सिंह ने जो अपील किया है लोगों से। देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं बिमलेश कुमार उर्फ बोतल सिंह, ग्राम पंचायत धबौली, मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया श्रीमती अंजलि देवी। अभी हम लोग के पंचायत में चुनाव होने जा रहा है। जनता भगवान से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं, जो आप लोग सोच समझ कर अच्छे कैंडिडेट को वोट करें, जो आगे दिन काम आवे, जगह जगह मिले, ढूंढना ना पड़े, घर में रहे और कहे कि घर में नहीं है, वैसे कैंडिडेट को वोट ना दे। और ये मौका 5 साल के बाद आता था, अब की बार तो 6 साल बाद आया है बहुमूल्य वोट गिराने का। और आप तमाम जनता भगवान से मेरा आग्रह बार बार नम्र निवेदन रहेगा, जो आप लोग अच्छे कैंडिडेट को सोच समझकर वोट दें। अपना क्रमांक संख्या 1 है, मोती का माला छाप, गंगा मैया सीताराम। और जो चीजें वहाँ पे घूमने के दरमियान, वहाँ पंचायत के निरीक्षण के दरमियान जो बातें सामने आई है, उन चीजों में एक चीज तो साफ है कि सड़कें, गलियां कहीं न कहीं 75% कार्य पूरा दिखाई पड़ता है। पूरे बेगूसराय में अगर नल जल के टावर की बात करें तो जो मुखिया के, जो निवर्तमान मुखिया हैं, उनके घर के पास जो टावर बना है निश्चित तौर पे बेहद मजबूत और खास भी है। कुछ भी कहना धबौली पंचायत के लिए बड़ा अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्रत्याशी जिस हथकंडे को अपना रहे हैं वो हथकंडा कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में निवर्तमान मुखिया का कहना है कि अगर हमने सेवा दिया है, अगर हमने काम दिया है, अगर हमने लोगों के सुख दुख में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है तो निश्चय ही लोग हमें वोट करेंगे। आप देखिए कि सारे उम्मीदवार आखिर कहते क्या हैं और आने वाला वक्त क्या कुछ तय करेगा। चुनाव लड़ना हमारे लिए मजबूरी हो गया, समाज को देखते हुए। और हम राजनीति 78 से ही कर रहे हैं और उस परिस्थिति में बहुत चढ़ाव उतार हुआ, हर चीज हुआ, लेकिन गांव का जो विकास होने चाहिए वह नहीं हो सका। हम तो कि सरपंच पद पर आज की परिस्थिति में न्याय देना बड़ी मुश्किल जैसी बात होगी। जी 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 जी, उसके बावजूद भी आपने इसी पद को क्यों स्वीकार किया? हमने सदैव न्याय के ही पक्ष में रहे और न्याय के साथ ही हम संघर्ष सदैव करते रहे, इसलिए हमने सरपंच पद के लिए अच्छे से इच्छा जताई। यही करेंगे जो जनता जात बाद हर चीज छोड़कर निष्पक्ष और न्यूट्रल और निर्भीक उम्मीदवार को कम से कम सरपंच पद से लावे, ताकि वह समाज के बीच में सत्य बात रख सके। हिसाब से धबौली पंचायत में अनोखी समस्या है। मेरे हिसाब से कोई भी पर्सनली 3 समस्या हो, 4 समस्या जो भी है, जो समस्या नजर में आ रहा है उस पर हम गिनती नहीं करवा सकते। कल अगर हमें जनता चुनता है, समस्या ये भी, अगर कल के डेट में कोई माँ बहन भूखे है वो भी एक समस्या है, जिसके घर में छत नहीं वो भी एक समस्या है, रोड पर हम चलते हैं वहाँ जो कीचड़ दिखाई पड़ता है वो भी एक समस्या है, शिक्षा में पीछे जिसके घर से बाल बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे वो भी एक समस्या है, इंदिरा आवास के नाम पर जो लूटा जा रहा है 20-25 हज़ार रुपया जो गरीबों को पर शोषण किया जाए वो भी एक समस्या है, बिचौलियों जो आपस में जो है एक दूसरे के लड़ाते हैं
वो भी एक समस्या है। कितना समस्या हम गिनाते रहे। मतलब आप भरोसा जता सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं कि आप इन सारी समस्याओं से दूर? प्रयास रहेगा सर। 20 साल से हम सेवा शौक से करते हैं, मेरा ये पेशा नहीं है। जैसे किसी को ताश खेलने का एक नशा होता है, किसी को दारू पीने का एक नशा होता है, वही सेवा करने का मेरा एक नशा है। शौक से करते हैं, मेरा कोई इस राजनीतिक कोई प्रोपगंडा नहीं है। जनता की अदालत में आज हम जरूर आ गए हैं, लेकिन सेवा के तौर पे कोई जनता हमसे बोले कि 20 साल के दरमियान जहां भी बन पड़ा कोई भी आदमी समस्या लेकर प्रयास किए कि उसके हम समस्या का समाधान करें, किए भी है। मास्टर साहब के जो अर्धांगिनी हैं राम दुलारी देवी, उनके विषय में बहुत सारी चर्चाएं हैं धबौली पंचायत में। आप उनके परिजन हैं, परिवार से हैं, आपको आप क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायतवासियों? हम अपने पंचायत के समस्त मतदातागण और जितने भी नवयुवक हमारे हैं, माता बहने जो भी हैं, सबसे मैं अपील करता हूं कि आप इस बार 18 मुखिया मैदान में हैं और सब अपने पंचायत के ही लोग हैं, बिना किसी जो है किसी के साथ संबंध खराब नहीं करना है, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। आप 18 मुखिया में जो मुखिया आपको उचित लगता है, चाहे वो राम दुलारी देवी हो या फिर अन्य कोई कैंडिडेट हो, आप उस आधार पर वोट करें और अपना वोट बर्बाद ना करें। ये अपील हमारे सभी पंचायतवासियों से है। बहुत लोग बहुत कुछ बांटेंगे, आप कुछ बांटने की योजना बनाए? हमारे जो हैं समाज सेवी धीरज भैया, उनके तरफ से बराबर जो है सेवाएं मिलते रहता है। उनके तरफ से जो है बांटने वाली चीज़, जो रुपया पैसा जो भी बांटता होगा, उस सबसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है। वो काम करके यहाँ वोट हम लेना नहीं चाहते जनता से। जनता पर को हमेशा इस क्षेत्र में सेवा किए हैं, पंचायत के हर एक क्षेत्र। तीन प्रमुख समस्या बताइए आप अपने पंचायत। इस पंचायत की तीन प्रमुख समस्या, सबसे पहले शिक्षा ले लीजिए, वो बहुत ही बेहतर स्थिति में है नहीं। उसके बाद स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। अभी तक जितना भी मुखिया आए हैं सबको अपने अपने स्तर से काम किए, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र चाहिए धबौली पंचायत में, मात्र एक भैरवार में है। आज तक धबौली पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं आया। हम ये चाहते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके बाद जो भी संगीत होना चाहिए। धबौली पंचायत की समस्या आप जाके घूम के देखिए, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बहुत बड़ी समस्या। स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, आवास योजना नहीं है, कहीं भी कोई काम नहीं है। बस 5 साल जीते, कोई काम नहीं, कोई समस्या समस्या। जाकर आप घूमिए देखिए, उसके बाद पता लगे काम हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ। हमारे 5 साल जो मुखिया जी, एक भी काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ बाढ़ साहब जो थोड़ा बहुत जो किए, वो भी जो सारी दुनिया का मालूम है, कितना रिश्वत लिया, क्या नहीं क्या नहीं, सब बात है। इसी समस्या से हम मुखिया प्रत्याशी, हम सोचे समस्या देख के हम मुखिया में खड़े हुए, ताकि समस्या को दूर करने के लिए, रिश्वतखोरी ख़त्म करने के लिए। रिश्वतखोरी हमारी पंचायत में बहुत है, बाढ़ से लेके हम किसी का ये तो बदनाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरी आवाम को, जनता को मालूम है यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा हमारे धबौली पंचायत। मैं इस पंचायत का प्रतिनिधित्व 2006 में कर चुका हूँ, जो मेरे जिले के वासी लोग सभी जानते भी हैं। मैंने इस जिला में कभी भी संगठन काम नहीं हुआ था। 2007 में मैंने पूरे बेगूसराय जिला का अध्यक्ष चुन लिया गया मुखिया संघ का। मैं जिला वासियों को, पंचायत के साथ साथ जिला वासियों को भी मैं महापर्व छठ पर्व के हार्दिक शुभकामना भी करता हूँ। साथ ही छठ माँ की ही कृपा हुई थी जो मैं अपने पंचायत में छठ माँ के पर्व करने वाली माता का मैंने नाला का प्रबंध किया था और बहुत ठोस नाला बनवाया और उसके दोनों तरफ गाछ वृक्ष लगवा दिया और मैं जीत जाता हूँ। मुझे प्रतिनिधि करने की जनता क्षमता दे देती है तो मैं इस पंचायत को नशा मुक्त करवा दूंगा। ये मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगी। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।